हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने आप जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आपको परिसत्ता के बारे में पढ़ना है, परसेंटेज के बारे में आपको जानना है। तो एक्सरसाइज आपके 8.1 में एक आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें आपके चार क्वेश्चन हैं। इसमें आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन पूछा होगा, आपको परिसत्ता में बदलना होगा और आपको अब की बार कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे दिए होंगे जो आपके परसेंटेज में दिए गए होंगे, उन्हें आपको भिन्न में बनाना होगा। और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपके दशमलव में दिए गए होंगे, उन्हें आपको किस में बदलना है, आपको परसेंटता में बदलना। और कुछ आपके क्वेश्चन परसेंटेज में आपके दिए गए हैं, उन्हें आपको क्या करना है, उन्हें आपको दशमलव के रूप में आपको बनाना है। तो आइए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर आप 1 को स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 कह रहा है कि निम्नलिखित को प्रतिशत के रूप में लिखिए। ये जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को किसमें करना है, प्रतिशत के रूप में आपको लिखना है। क्वेश्चन आपका पहले का पहला, ये 1/5 दिया गया। क्या दिया गया? 1/5 आपको बनाना किसमें है, प्रतिशत के रूप में लिखना है, यानी परसेंटेज के फॉर्म में आपको लिखना है इसे। तो 1/5 है, तो हम क्या करें, जब इसको परसेंटेज के रूप में लिखने के लिए कहे तो आप 1/5 गुणे कर देना 100। यदि कोई भी अगर भिन्न दे आपको और कहे कि इसे प्रतिशत में बनाओ, तो आसान तरीका इसका ये है कि जो भिन्न आपकी दी हो उसमें 100 से आप गुणा करवा लीजिएगा। किससे गुणा करवा लीजिए? 100 से गुणा करवा लीजिए। अब अगर कटता है तो आप काट लीजिए। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 × 2 = 10, 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक, इज इक्वल टू केवल आपका 20 का एक में कराएंगे 20 और पीछे हो जाएगा परसेंटेज। यही आपकी भिन्न 1/5 इसमें बदल गई, प्रतिशत में आपने बदल दिया इसे। यानी क्वेश्चन पहला था 1/5, क्या करना है आपको, प्रतिशत में बनाना है। तो आपको बताया गया कि जब प्रतिशत में आपको बनाना हो तो क्या आप करेंगे। आसान तरीका आपका इसका ये है कि आप गुड़े आप 100 कर लीजिएगा, और अगर कट रहा है तो आप काट लीजिएगा। तो यहाँ कट रहा है तो 5 से काटेंगे, 5 × 10 से 0 बढ़ा लेंगे, 1 करेगा 20 के साथ, गुड़ा कितना हो जाएगा आपका, 20% हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए पहले का दूसरा ही लिया जा रहा है। लिया गया 3/4, इसको बनाना किसमें है, परसेंटेज में आपको बनाना है, प्रतिशत में बनाना है। तो क्या करेंगे, आपको बताया गया कि जो आपकी भिन्न दी जाए उसमें गुणा किससे करवा लीजिए, 100 से करा लीजिए। कितने से गुणा कराएंगे, 100 से करवा लेंगे आप। तो 4 से 100 में भाग दिए कट जाए, एक बार जाएगा, 4 × 8 = 20, 4 × 5 आपका हो जाएगा 20, इज इक्वल टू 3 गुणे हो गया 25, और 25 करेगा 3 के साथ गुणा, 25 हो जाएगा 75। और आपने पीछे क्या लगा लिया, परसेंटेज, आपका आपका जो सिंबल है वो आपने लगा लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भिन्न आपकी हो, उस भिन्न को आपको बनाना किसमें हो, परसेंटेज में बनाना हो, तो आसान तरीका ये है कि उस भिन्न में आप 100 से गुणा करवा लीजिए, फिर आप भाग दे देंगे। आप 4 से आपने 100 को काटा, 25 बार जाएगा, और ये बच रहा 3 × 25, 25 करेगा 3 के साथ गुणा, हो जाएगा 75। फिर अब ऐसे आते हैं क्वेश्चन नंबर आप पहले के छठे क्वेश्चन पर। ये आपके जो भिन्न दी गई है वो मिश्रित भिन्न आपकी है। किस भिन्न में दी गई है, मिश्रित भिन्न में दी गई है। आपको क्या करना है, इसको प्रतिशत में बनाना है। तो तरीका आपको बताया गया, 4 का 1 में गुणा करवा लो आप, 4 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। 5/4 करके गुणे क्या करवा लीजिए आप, 100 करवा लीजिए। क्या करवा लीजिए, 100। यानी अगर मिश्रित भिन्न में दी गई होगी तो पहले उसे आप भिन्न में बनाओ, 4 करेगा 1 के साथ 4, 1 जोड़ेंगे 5, 5/4 × 100, 4 से 100 कट जाएगा,
चार दूना आठ, चार पचे बीस, पच्चीस हो जाएगा। मिल रहा है पांच बुढ़े पच्चीस, पच्चीस पचे हो जाएगा कितना 125, यानी 125% किसका निकल गया, एक सही एक बटे चार का निकल गया। यानी कहने का मतलब है चाहे भिन्न आपकी वो मिश्रित भिन्न में दी गई हो चाहे नॉर्मल भिन्न में आपकी दी जाए, अगर उसे हमें किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो तरीका आपका यही है। अगर नॉर्मल में सीधे गुणा करके 100 उसे आप सरलतम रूप में लिख लीजिएगा तो वो आपकी परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, और अगर वो मिश्रित भिन्न में दी जाए तो आप उसे पहले नॉर्मल में चेंज करिए, गुणे आप 100 कर लीजिए, चार से काटेंगे चार गुना चार पच्चे बीस, पांच गुणे पच्चीस बराबर हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर आप दूसरे पे आओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहा है ये कि निम्नलिखित को भिन्न के रूप में बनाइए, लिखिए। अब इसमें जो दूसरे वाले में क्वेश्चन आपके हैं वो सब परसेंटेज में दिए गए हैं और आपको किसमें करना है, इसे आपको भिन्न में बनाना है, यानी आपके P by Q के रूप में, अंश और हर में जो आपके हो, जैसे ये था, ये आपके भिन्न में था, आपने परसेंटेज में किया, अब इसी का उल्टा कर देना, परसेंटेज में दिया है आपकी बार भिन्न में बनाना है। तो पहला दिया गया 15%, क्या दिया गया 15%, भिन्न में आपको बनाना है तो परसेंटेज आप हटाइएगा और बटे 100 लिख लीजिएगा, जो परसेंटेज का सिंबल है उसको हटा लीजिएगा और बटे आप 100 ले लीजिए, चाहे जो आपकी भी हो, चाहे जो परसेंटेज में दिया जाए। तो 5 × 3 = 15 और 5 × 10 = 20 हुआ, यानी मिल गया हमें कितना 3/20, यानी आपने क्या कर लिया, परसेंटेज को भिन्न में बना दिया। फिर अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का दूसरा दिया गया है 25%, इसको भी आपको भिन्न में बनाना है, ठीक है, अंश और हर में लाभ को बटे में लाना है। तो देखिए परसेंटेज जब हटेगा बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब काटिए 25 एक बार जाएगा, 25 चौका 100 बराबर करके कितना मिल गया 1/4, ये आपने भिन्न में बना लिया, परसेंटेज आपका था 25%, इसको आपने भिन्न में बनाया, मिला कितना 1/4 मिला। ऐसे कोई भी आपका दिया हो, चलिए हम दूसरे का पांचवा ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये दे रहा है 120% और हमें क्या करना है, इसको भिन्न में बनाना है। तो परसेंटेज का जो साइन है, जो चिन्ह है, उसको हटाइएगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो क्या हुआ, कट गया। अब काटेंगे 2 × 12, 2 × 5 = 10 इज इक्वल टू कितना मिला 6/5। इस तरीके से आप क्या करेंगे, भिन्न में बनाने, कोई भी अगर परसेंटेज आपका दे उसे भिन्न में आपको बनाना होगा, तो परसेंटेज का निशाना फटा करके बटे आप 100 कर लीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे उसे सरलतम रूप में आप बना लेंगे, काट लेंगे आप, काटने के बाद जो बचेगा वही क्या हो जाएगा इसका, नहीं जो परसेंटेज और भिन्न रूप में आपका बदल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा आपका कि निम्नलिखित को प्रतिशत के रूप में बनाइए, क्या करना है, निम्नलिखित को प्रतिशत के रूप में बनाना है, दिया है 0.25 दिया है, 0. कितना दिया गया 25। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं वो सभी आपके दशमलव में दिए गए हैं, उन सभी को आपको क्या करना है, परसेंटेज के रूप में लिखना है। जैसे तीसरे का पहला दिया गया है 0.25, इसे हमें किसमें करना है, परसेंटेज में करना है। तो परसेंटेज में आपको करने के लिए आपको तरीका बता दिया गया, क्या करेंगे, गुणे आप 100 कर लीजिए, गुणे क्या कर लीजिएगा 100 कर लीजिएगा, 100 से इसमें गुणा करवा लीजिए, जो आएगा उतना परसेंट आपका हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं 2 0 हमारे पास है और यहां 2 अंक के बाद दशमलव है, तो जब आपके पास 2 0 है और यहां 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम क्या कर सकते हैं, 100 से गुणा करवाएंगे, 2 0 2 अंक के बाद दशमलव को हटा देगा,
ये केवल बचेगा 25% बचेगा, यही इसका क्या हुआ, जो दशमलव में दिया था उसे आपने किसमें कन्वर्ट कर लिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिएगा इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा ले, तीसरे का तीसरा लिया के 0.010 है, इसे बनाना बताइए किसमें आपको है, परसेंटेज में बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा 0.010 गुणे कर लेना आप 100, जब 100 से गुणा करवाएंगे इसमें तो दो जीरो हमारे पास एक्स्ट्रा है, दशमलव यहाँ तीन अंक के बाद है तो क्या करेगा, दशमलव एक दो अंक के बाद यहाँ पहुंचेगा, मिल जाएगा हमें ये, आगे इसके जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपकी 1 पॉइंट करके क्या कर लेंगे, जीरो करना इतना परसेंट, चाहे आप सीधे एक लिख देना चाहे 1.0% लिखना, बात आपकी वही है, 1.0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। तीसरे का जो पहला था वो 0.25 दशमलव में दिया हुआ, आपको बनाना किसमें है, परसेंटेज में बनाना है, तो आपने 0.25 में गुणा किससे करवा लिया, 100 से करवा लिया, दो जीरो हमारे पास एक्स्ट्रा है और यहाँ दो अंक के बाद दशमलव, तो ये दो जीरो क्या करेंगे, दशमलव को दो अंक के बाद सीधे हटा देंगे, इस जीरो के कोई माने नहीं रह जाएंगे, 25% आपका हो गया। इसके बाद देखिएगा 0.010 है, इसको भी बनाना किसमें आपको है, परसेंटेज में ही बनाना, तो आपने क्या किया गुणे 100 करवा लिया और दशमलव यहाँ पे देखा एक दो तीन अंक के बाद, तो 100 से ही तो करवा रहे हैं, तो ये दशमलव जहां पे दो अंक आगे की ओर आ जाएंगे, एक के बाद आए, एक से पहले दो जीरो थे तो इस जीरो की कोई वैल्यू आपकी हुई नहीं, वो आपने छोड़ दिया और दशमलव करके जीरो था, 1 पॉइंट आपका 1.0%, या सीधा 1 भी लिख सकते हो। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के आठवें, नहीं सॉरी तीसरे का सातवां लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सातवां लिया गया आपका 2.225 बनाना आपको बताइए किसमें है, परसेंटेज में बनाना है, ये दशमलव में दी गई है आपकी संख्या, इसको बनाना है आपको परसेंटेज में, तो क्या करिएगा, तरीका आपको बता दिया गया कि परसेंटेज में कैसे आप बनाते हो, तो यहाँ 2.225 में गुणा किससे करवा लेंगे, 100 से करवा लीजिए, तो यहाँ हमारा एक के बाद दो जीरो है और दशमलव तीन अंक के बाद आपका लगा हुआ है, तो दो जीरो क्या करेगा, दशमलव को दो अंक आगे क्यों लेके आए, अब देखेंगे इधर आपकी अंके हैं, जीरो नहीं है, अगर आपकी अंके हैं तो उनको लिखा जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ दो के बाद लगेगा और यहाँ आगे दो दो पांच एक बार आप लिख लो और यहाँ दो के बाद एक दो, यानी पांच और इस दो के बीच में लगेगा और पीछे हम क्या लगा लेंगे, परसेंटेज लगा लेंगे, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये दशमलव आपकी किसमें चेंज हो गया, आपका परसेंटेज में बदल गया, यानी परसेंटेज में निकालने का आपको तरीका बताया गया, गुणे 100 जो भी दशमलव में संख्या दी जाए उसका गुणे 100 करो, ठीक है, उसके बाद 100 से गुणा करवा के आप जो आए वो परसेंटेज में आप लिख दीजिएगा। फिर ऐसे जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं उनका भी तरीका आपका यही है, इस तरीके से आपके वो क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज के हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए, अब की बार आपको दशमलव के रूप में लिखना है, अब की बार थर्ड वाले का अपोजिट हो जाएगा, थर्ड वाले में क्या था, दशमलव में था, परसेंटेज में आपने बनाया, अब की बार परसेंटेज में दिया है और बनाना किसमें आपको है, दशमलव में बनाना है, तो दशमलव में बना लीजिए आप, तो देखिए जो 12% हमारा है ये, जब इसको आप बनाओगे तो ये 12/100 हो जाएगा, 100 12/100 परसेंटेज हटाएंगे बटे आप 100 कर लेंगे, तो परसेंटेज हमने हटाया 12/100 हो गया, इज इक्वल टू दो जीरो हमारे पास नीचे, तो ऊपर जो अंश है वहां पीछे से इकाई के दो अंक के बाद आपको लगाना है दशमलव, तो दो अंक के बाद दो यानी एक के बाद, यानी दो और एक यहाँ लगा देंगे दशमलव
और आगे हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, यानी आपका 0.12 मिल जाएगा। और जैसे चौथे का दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है 38%, इसको भी किसमें कन्वर्ट करना है आपको, दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि परसेंटेज जो आपका है इसको आपको हटाना है, बटे क्या कर देना है, 100 कर देना, क्या कर देना है, 100 कर देना। नीचे दो जीरो, पीछे से दो अंक के बाद लगा देंगे दसमा, दो अंक के बाद तीन, इसके बाद कोई अंक नहीं तो आप जीरो बढ़ा लीजिएगा, 0.3 आपका हो जाएगा। एक तो था पहले पहला क्वेश्चन 12%, जब 12% वाले को करोगे आप 12% बराबर 12/100, दो जीरो हमारे पास नीचे, तो पीछे से दो अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, 0.12 मिल जाएगा। दूसरा आपका दिया गया 38%, तो 38% बराबर 38/100 हो जाएगा, पीछे से दो अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, 0.38 मिल जाएगा। इसी का मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर थर्ड लिया गया है 10.50%। ये क्वेश्चन है, इसको बनाना किसमें आपको है, दशमलव में बनाना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो 10.50% इज इक्वल टू, तो आपने जाना ऊपर के क्वेश्चनों में कि आप परसेंटेज हटाएंगे, बटे आप 100 लिख देंगे, बटे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो यहाँ दो अंक के बाद दशमलव था, ठीक है, और दो जीरो हमारे पास है, तो जहां भी है उससे दो अंक आगे मतलब एक के बाद, तो ये एक के बाद जो होगा दशमलव, और यहाँ के बढ़ा देंगे आप जीरो बढ़ा देंगे, तो 0. आपका 1050 हो गया, यानी 0.1050 आपका हो गया। यानी इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना है। एक आध क्वेश्चन इसमें का और आप देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर हम इसमें से ले रहे हैं की बात चौथे का सातवां, चौथे का क्वेश्चन नंबर आपका सात ये है 0.19%। इसको बनाना है किसमें, दशमलव के रूप में आपको बनाना, तो 0.19% इज इक्वल टू 0.19 अपान हो गया 100, परसेंटेज हटाएंगे बटे आपका 100 हो जाएगा। तो ये देखिए दशमलव अगर है तो दशमलव जहां भी है उससे दो अंक आ, तो आपने कहा दशमलव के बाद एक ही जीरो, एक ही अंक है, तो एक अंक और चाहिए, आप क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे तब दो अंक हो जाए, यहां लगा देंगे दशमलव, जब दशमलव लग जाए उससे पहले आप क्या लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए, या आपके दशमलव के रूप में हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप आइए आठवां, 90%, इसको कन्वर्ट किस में करना है आपको, दशमलव में करना है, तो 90/100 हो जाएगा 100, एक जीरो को आप काट दीजिए, हमारे पास लीजिए 10 बच रहा है, तो एक अंक के बाद लगा दीजिए दशमलव, यानी हो जाएगा 0.9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, अगर क्वेश्चन आपका परसेंटेज में दिया हो उसे आपको बनाना किसमें है, दशमलव में बनाना है, तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 8.1 ये आपकी खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नई एक्सरसाइज के साथ आपके सामने आएंगे, तो आज के लिए इतना ही।